नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो संतोषी माता के व्रत में काफ़ी लोग जो लोग पपीता खाते हैं उनको पता नहीं है कि इस चीज़ इस फ्रूट को खा सकते हैं नहीं खा सकते। महिलाओं को अधिकतर ये फ्रूट काफ़ी महिलाएं खाने में यूज़ में लेती हैं, लेकिन ये खटाई में आता है। इस वजह से काफ़ी लोग, जैसे अनार है, सेब है, ये सब तो सभी को पता रहता है कि ये सब तो खटाई में आते हैं, इसलिए काफ़ी लोग नहीं खाते हैं। लेकिन जो पपीता है वो खटाई में आता है, इस वजह से इस फ्रूट को तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम हो। अगर आप व्रत रखते हैं तो जो व्रत रखता है उस पर नियम लागू होते हैं। अदरवाइज अगर आप अपने फैमिली मेंबर की बात करें तो काफ़ी लोग घर से बाहर भी रहते हैं और बाहर भी खाना खाते हैं, तो उन लोगों पर वो नियम लागू नहीं होते हैं। तो इसीलिए इस फ्रूट को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्ण।